Hey, what's up guys? Welcome you back to my YouTube channel. My name is Avib Samhala. So आज इतने दिनों के बाद मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. तो ये है मेस का खाना. डिपेंड करता डेज़ के ऊपर कौन सा दिन कौन सा, सब डिफरेंट डेज़ पर डिफरेंट आइटम्स बनता है. और ये स्टार्टिंग के दिन थे जब मैं आई थी, तो उस टाइम पर यह सब ऐसा सब मिल रहा था. जैसे कि वेडनेसडे को मटन मिलता है, और डिपेंड करता है सब डेज़ में स्नैक्स और टी भी मिल रहा होता है और अभी भी मिल रहा है मतलब. और स्वीट का आइटम एक होना मतलब रहता ही है, स्वीट का आइटम, चाय, कॉफ़ी, और मतलब मिलता है डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स मिलता है. बट हाँ, एक बात है कि उनका क्वालिटी जो होता है ना फूड का, वो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, तो उसमें कोई नहीं है. बट मेरे को ऐसा लगा कि बाकी सारे कैंपस में से इस कैंपस में खाना बेटर क्वालिटी है. सो एज़ यू कैन सी, देख सकते हो कि कैसा है खाना. फिर मेरे को कमेंट में बताना. मेरे को तो ठीक ही लगता है. और संडे का यहाँ पे डोसा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, तो संडे के दिन सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होता है. और बाकी तो नॉनवेज तो आपको पता ही होगा. और ये कैंटीन है कुछ ऐसा जिसमें अभी कोई है ही नहीं, बट बहुत भीड़ हो जाता है इसमें. तो जब संडे होता है ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है. जिस दिन जैसे कि सैटरडे, तो सैटरडे के रात में जैसे बिरयानी बन गया, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है. तो ऐसा ही कुछ. और ये कोविड के बाद इन्होंने ये नया पेंटिंग्स कुछ किया हुआ है, तो ये अच्छा लगता है, लुक अच्छा देता है कैंटीन का भी. और पास ही में फूड कोर्ट है अगर आप चाहें तो. अगर आपको पसंद नहीं है कैंटीन में, अगर अच्छा नहीं लग रहा किसी दिन, तो वहाँ पर जाके आप खरीद के खा सकते हैं. बस यही कुछ है. ये लाइब्रेरी के सामने का है. लाइब्रेरी का वीडियो अभी तक बनाया नहीं है, थोड़ा सा ही था कि ऐसे ऐसे लाइब्रेरी. बैटरी है कनेक्टेड, तो बैटरी है गुड. Thank you.
सबसे पहले ब्रांड पे आते हैं तो ये है लेनोवो और सीरीज़ है इसका आइडिया पैड फ्लिक्स 5 1 4 IT L 05 और ये थीन है लाइट है अराउंड 1.5 kg के अराउंड है। इसका वेट ग्राफाइट ग्रे में आता है और इसके साथ एक पॉइंटर डिवाइस है जो लेनोवो डिजिटल पेन है वो भी आता है। और वेबकैम का बात करें तो इसका 720 पिक्सल है इसका वेबकैम और विथ शटर भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विंडोज़ 11 और कोर प्रोसेसर i5 11 जनरेशन का है और इसका प्रोसेसर बैंड जो है वो है इंटेल है। साथ ही साथ सिक्योरिटी पे जब आते हैं तो बायोमेट्रिक इसका एक फिंगरप्रिंट है फिंगरप्रिंट रीड है और टच स्टाइल भी है विथ लॉक तो आपको पता ही होता है कि में भी लॉक होता है। और इसमें MS Office भी इंक्लूडेड है MS Office होम एंड स्टूडेंट 201 का। बाकी इसका डिस्प्ले स्क्रीन साइज पे है तो 14 इंच इसका स्क्रीन साइज़ है और FHD रिजोल्यूशन इसका है 1920x1080 पिक्सल। और मेमोरी पे आए तो रैम इसका है 16 GB और SSD इसका कैपेसिटी इसमें 512 GB है और ये शायद SSD अपग्रेडेबल नहीं हो सकता इसमें नहीं है और आगे तक। और इसका एक्सपेंडेबल स्टोरेज जो है वो वन ड्राइव अप टू 512 GB तक का है। बस यही है और क्या। बाकी ये मेरे चैनल का नेम है, अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो, फॉलो तो नहीं सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टा और फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो कर लेना है ना। और बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना कि आगे मैं कौन से चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और ये सुंदर सा फूल, पता नहीं सुंदर या नहीं, हाँ सुंदर सा फूल आपके लिए। और बाकी कुछ नहीं, बस मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा तो करने का, तो बस यही सब काम। लिटरली पहली बार मैं ऐसा डिजिटल पेन में वो लैपटॉप में टच करके काम कर रही थी, बढ़िया लग रहा था उनको। एनीवेज तो ये था आज का वीडियो। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाकर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय।